फिफ्थ का चैप्टर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर 11 हमारा है नीति के दोहे। इस लेसन में हमने दोहे दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे। पहले देखो कबीर जी का दोहा है, बुरा जो देखा मैं चला बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोए। अब कबीर जी इसे बोल रहे हैं कि इस दुनिया में क्या है, बुरा जो देखा मैं चला, इस दुनिया में मैं बुरे लोगों को ढूंढने के लिए निकला था, बुरे व्यक्ति को, बुरा न मिलिया कोए, पर क्या है इस दुनिया में मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना, यानी कि कबीर जी बोल रहे हैं कि मैं इस दुनिया में बुरे व्यक्ति को देखने के लिए निकला था, पर क्या है मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और जब मैंने अपने मन के अंदर झांका, मुझे खुद को देखा, तो क्या है मुझसे बुरा न कोई। वो कबीर जी बोल रहे हैं कि मैंने अपने हृदय में झांका, मेरे मन में देखा मैंने कि मैं कैसा हूँ, तो क्या है मुझसे बुरा व्यक्ति कोई भी इस दुनिया में नहीं था। अब देखो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तब क्या है गुरु और गोविंद दो खड़े, गोविंद यानी भगवान ईश्वर, और गुरु जो हमारे गुरु होते हैं, तो क्या है गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे एक साथ, इधर गोविंद गुरु जी खड़े थे और इधर भगवान खड़े थे। कान के लागू पाए, कबीर जी बोल रहे हैं कि दोनों खड़े हैं तो मैं पहले किसके पैरों के लगू, जैसे हम आशीर्वाद लेते हैं तो पैरों के किसके लगू, पहले गुरु के लगू कि भगवान के, ये दोनों क्या है एक साथ खड़े थे। बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलियारी यानी पहले किसके पाँव लगूँ, गुरु के। बोला कि गुरु जी पहले मैं आपके पाँव लगूँ क्योंकि गोविंद दियो बताए, जो गुरु जी है उन्होंने क्या हमें ईश्वर तक पहुँचाया है, ईश्वर का जो ज्ञान है वो हमें दिया है, तो पहले किसके पाँव लग रहा है, गुरु के पाँव लगे। साई इतना दीजिए जब मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। अब देखो साई भगवान इतना दीजिए कि कबीर जी बोल रहे हैं कि हे भगवान मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जब मैं कुटुंब समाए, जब मैं जिसमें क्या है मेरा जो कुटुंब यानी परिवार है वो समा जाए, मुझे क्या है ज़्यादा धन दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए कि मेरा जो परिवार है वो उसको अच्छे से भरण पोषण कर सकूँ, उसको पाल सकूँ अच्छे से, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु ने भूखा जाए। और क्या है कि मैं अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर सकूँ अपने परिवार का, और दूसरा मैं भी भूखा ना रहूँ, यानी कि जो मेरा परिवार है वो कभी भूखा ना रहे, और ले हमारे घर से यानी कि हमारा जो परिवार है उसमें अगर कोई साधु संत आए तो उसमें क्या है वो भूखा जो संत साधु आते हैं उनको भूखा न जाने दो, मुझे क्या इतना ही दीजिए। देखो आगे आपको दोहा दिया हुआ है रहीम जी का, रहीम जी का दोहा है, प्रेमन धागा प्रेम का मत जोड़ो छिटकाए, छिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब देखो रहीम जी बोलते हैं धागा प्रेम का, जो हमारा क्या है प्रेम का धागा, यानी कि हम किसी के साथ प्रेम से रह रहे हैं परिवार में जैसे भी, तो क्या है उस धागे को छिटकाए यानी झटका देकर उसे एकदम से मत तोड़ो, वो प्रेम का धागा उसको एकदम से मत तोड़ो, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है तो क्या है आजकल लोग अलग हो जाते हैं, उसके लिए बोला गया कि जो प्रेम का धागा है अपने परिवार में हम मिलजुल के रहते हैं उसको एकदम से अलग, जो रिश्ते हैं उनको एकदम से नहीं तोड़ना चाहिए, वो क्या है अगर एक बार टूट जाता है तो वो रिश्ता वापस नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता, क्योंकि आजकल एक दूसरे के लोग नहीं मानते, और अब वो जो टूटा हुआ जो प्रेम का जो धागा हमने जोड़ा है दूसरे के साथ वो क्या है अगर टूट गया तो वो जुड़ भी गया है तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, जैसे कि हमने दूसरे के साथ रिश्ता बनाए रखते हैं और फिर हम उसको तोड़ देते हैं फिर वापस जोड़ते हैं, तो अगर वो रिश्ता तो वापस से जुड़ जाएगा, पर क्या है एक दूसरे के मन में क्या है गांठ बनी रहती है, यानी कि कोई ना कोई बात रह जाती है, तो हमें क्या करना है कि जो धागा है वो कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसे ही प्यार से रहना चाहिए। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। अब देखो रहीम जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, जो बड़े लोग होते हैं यानी कि सज्जन पुरुष होते हैं वो क्या है अपनी बड़ाई खुद से नहीं करते, प्रशंसा है वो खुद से नहीं करते, बड़े न बोले बोल, और जो बड़े लोग हैं वो क्या है अपनी बातें हैं वो भी बड़ा चढ़ा के बातें नहीं करते, मतलब कहने का है कि जो बात है सही बात है वो ही बोलते हैं, ज़्यादा उन्हें बोलना अच्छा नहीं लगता। और रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो बोल, और रहीम जी कहते हैं जैसे कि अब जो बड़ा सज्जन पुरुष है उसको किससे मिलाया, हीरे से,
हीरा कितना अनमोल होता है, तो क्या हीरा कब कहे, हीरा क्या है अनमोल होता है, बहुत ज्यादा होता है ना अमूल्य, रत्न होता है लाभ अमोल, हीरा अनमोल होता है, वो जो हीरा क्या है अनमोल रत्न है, और वो कभी भी बोल के नहीं कहता कि मेरा जो मूल्य है वो लाखों में है। तो हमें जो सज्जन पुरुष होता है वो भी क्या है कभी भी बोल के अपनी बड़ाई खुद से नहीं करते, वो भी क्या है सज्जन पुरुष होते हैं। अगला देखो तीसरा है, ध्रुव फल नहीं खात है सर्वर पिए नपान, कहे रही प्रकाश हित संपत्ति संचय ही सुजान। अब देखो ध्रुव फल नहीं खात, ध्रुव यानी पेड़, जो पेड़ होते हैं वो जो फल देते हैं वो खुद से नहीं खाते हैं। अब सरोवर है पेड़ है वो क्या है औरों के लिए ये फल देते हैं, फूल देते हैं, खुशबू देते हैं, वो सब क्या है छाया देते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। जैसे ही क्या सरोवर पिए नपान, जो सरोवर है और जो तालाब है वो क्या है खुद का पानी खुद से नहीं पीते, क्या है पेड़ भी अपने खाना जो भोजन सॉरी जो फल है वो खुद से नहीं खाते, और जो सरोवर है तालाब है वो भी अपना पानी खुद से नहीं पीते, ये क्या है दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। कह रही प्रकाश हित संपत्ति संचय सुजान। अब देखो जो कह रहीम जी कह रहे हैं कि दूसरों पर काज करें, यानी कि जो दूसरों के लिए हम काम करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, संपत्ति सॉरी संपत्ति संचय सुजान, जो सज्जन पुरुष है वो क्या है अपनी जो धन दौलत है संपत्ति है वो सब क्या करते हैं दूसरों पर दान दे देते, दूसरों को गरीबों की भलाई में लगा देते हैं, खुद का कुछ नहीं करते, वो ही क्या है सज्जन पुरुष है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं की तरह क्या सज्जन पुरुष भी ऐसा ही होता है। तो हमें क्या दूसरों की भलाई गरीबों की भलाई करनी चाहिए। अगले को जय गरीब पर हित करे ते रही पर लोग, कहा सुदामा बापुर हो कृष्ण मिताई जो, ते गरीब पर हित करे, जो लोग गरीबों की भलाई करते हैं, इसमें क्या है जो लोग गरीबों की भलाई करते हैं, ते रही पर लोग रहीम जी उन लोगों को बड़ा बोला है, जो हम क्या है जो सज्जन पुरुष होता है वो तो गरीबों की भलाई करेगा, उनकी सहायता करेगा, और वो ही रहीम जी के आगे बड़े लोग हैं, वो ही सज्जन पुरुष है। कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो, बापुरो यानी बेचारा, सुदामा यानी कि गरीब था सुदामा, और उनका मित्र कौन था कृष्ण, ठीक है। तो क्या है जब सुदामा बहुत ज़्यादा गरीब थे और कृष्ण बहुत ज़्यादा अमीर थे धनवान के, फिर भी क्या है सुदामा के साथ कृष्ण जी की मित्रता थी, दोस्ती थी इन दोनों के साथ, और वो दोस्ती उन्होंने बनाए रखी है दूसरे की, जो कृष्ण है इन्होंने सुदामा जी की सहायता की थी ना, तो ये क्या है इनकी जो दोस्ती है, यानी कि हमें क्या है गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो इससे हमें क्या क्या होता है कि कृष्ण जी ने जैसे देखो सुदामा की भलाई की थी, गरीबों की भलाई की थी, ऐसे ही रेणु जी के आगे सब बड़े लोग वो ही है जो गरीबों की भलाई करते हैं। अब देखो आपके ये लेसन कंप्लीट हो गया है, तीन पैराग्राफ है, इनको अच्छे से पढ़ लेना और इनको नोटबुक में भी लिख लेना, याद हो जाएंगे अच्छे से। आगे देखो पहला दूसरा और तीसरा ये क्वेश्चन, और आगे और ये आगे देखो दोहे लिखकर बताइए, आपको ये शब्द देखा है इस पे दोहे लिखने आपको, तो ये करना है आपको दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां, ये आपको क्या करने हैं अपनी नोटबुक में लिख लेना इनको और अच्छे से लर्न कर लेना इनको। अब देखो आगे आगे मैंने आपको चार क्वेश्चन लिखे हैं, वो खुद से करना मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेसन पढ़ाया तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि चार क्वेश्चन खुद से करना। कबीर ने ईश्वर से कितना धन मांगा है, कौन अपना मूल्य नहीं बताता, धागा सॉरी टूटा धागा कैसे जुड़ता है, और वृक्ष और सरोवर में क्या समानता है, ये चार क्वेश्चन है, ये खुद से कर लेना अपनी नोटबुक में, और जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो वापस से फोटो लेके हमें भेज देना, और जो